लगातार बढ़ते मामलों के बीच कुछ ऐसी खबर भी मिल रही है जो राहत देती है। देश के करीब 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव रेट काफी कम है, जो कोरोना के घटते ट्रेंड की ओर इशारा दे रहा है। भारत में कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 70,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ ही कुल कोरोना केस की संख्या 69 लाख के पार पहुँच गई है। अब तक भारत में 1 लाख से अधिक मौतें भी हो चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच कुछ ऐसी खबर भी मिल रही है जो राहत देती है। देश के करीब 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव रेट काफी कम है, जो कोरोना के घटते ट्रेंड की ओर इशारा करता है। बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर, कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखें तो पिछले 11 दिनों में देश में नए केस का पॉजिटिव रेट 8.2% पर पहुंच गया है, जबकि देश में 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में तो यह आंकड़ा 5% से भी कम है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब, अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं तो उनमें से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव आते हैं। इस लिस्ट में देश के करीब 22 राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय पॉजिटिव रेट से कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जो मानक तैयार किए गए हैं, उनके मुताबिक प्रतिदिन 1 मिलियन की जनसंख्या पर 140 टेस्ट करने जरूरी है। भारत का लगभग हर राज्य इस मानक से काफी आगे बढ़कर टेस्टिंग कर रहा है। पूरे देश में अब प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 60,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका और ब्राजील के मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम है। देश के जिन 5 राज्यों में पॉजिटिव रेट 5% से भी कम है, उनमें बिहार, मिजोरम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है, जबकि 1 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में भी पॉजिटिव रेट काफी कम है। भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो हर रोज सबसे अधिक टेस्ट कर रहा है। देश में औसतन एक दिन में 10 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। एक दिन में अधिकतम टेस्ट की संख्या 15 लाख तक भी पहुंची है। भारत में अब करीब 2000 टेस्टिंग लैब मौजूद है और अब तक देश में कुल 8.5 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य टेस्टिंग में सबसे आगे हैं। अगर देश में कुल केस की बात करें तो अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 69,06,151 हो गई है, जबकि 8,93,592 केस एक्टिव है और अब तक कुल 59,06,079 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक 1,06,490 मौतें कोरोना वायरस के कारण हुई हैं।